हेलो एवरीवन वेलकम टू रवेदती क्लासेस आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया करंट अफेयर्स 2022 इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के जो भी हमारी फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स न्यूज़ रही हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी आपको रहेगा तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा हम पूरे ट्वेल्व मंथ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं वीडियो का पीडीएफ आप लोग को वेबसाइट से मिल जाएगा रविदी से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फ्रेंड्स इसके अलावा आपको हर वीडियो में एक टेस्ट भी किया जाता है और वो टेस्ट के क्वेश्चन आपको बताने होते हैं कॉमेंट सेक्शन में और उसी टेस्ट के साथ आपको एक गिफ्ट भी मिल रहा है जिसमें टेन लकी विनर्स को जो जीके की करंट अफेयर्स की ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की इंग्लिश क्वेश्चंस की बुक है वो आपको फ्री में दी जाएगी तो दस लकी विनर्स को वो बुक मिलेगी तो इसलिए फ्रेंड्स अपने जो आंसर है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन सो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है राइट आंसर इज तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट फार्म लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म तो किस राज्य में ये जो सीट फार्म लोकेटेड है जो कि पहला इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है तो ये फार्म लोकेटेड है केरला स्टेट में अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द डिसेबल्ड तो दिव्यांगों के लिए जो डिसेबल्ड पीपल्स हैं उनके लिए अलग से जो है डिपार्टमेंट जो सेटअप करने वाला स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना राइट आंसर इज महाराष्ट्र विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ़ अन एलिफेंट डेथ्स तो जो भी अननेचुरल नेचुरल देखें एलिफेंट डेथ्स होती हैं उन सभी को ऑडिट करने के लिए जो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है इसे इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है फ्रेंड्स तमिलनाडु हु हैज़ पिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ़ द इंडियन आर्मी सो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी राइट आंसर इज लेंस नायक मंजू विच स्टेट हैज़ पिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट फाइव जी सर्विस इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्टडक्वाटर्स यानी अपने सभी जो भी डिस्ट्रिक्टडक्वाटर्स है उसमें फाइव जी सेवा पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना आंसर इज़ गुजरात वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बी बिल्ट सो ये भारत का पहला जो है विश्वविद्यालय है जो कि बुद्धिस्ट उस पर बेस्ड है कहाँ पर इसको बनाया जाएगा इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा में वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिज़र्व बी बिल्ट भारत का पहला डार्क स्काई रिज़र्व कहाँ बनाया जाएगा राइट आंसर इज लद्दाख नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका को जो रोल को क्रिएट करने वाला पहला जो स्टेट बना है ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनका नाम है स्लेंडर लॉरिस्ट तो इन्हें नोटिफाइड किया गया किस राज्य की सरकार के द्वारा ये जो पहला जो इसकी एंड स्पीशीज़ के लिए जो पहली सेंचुरी बनाई जाएगी वो कहाँ पर आंसर इज तमिलनाडु इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग सेंटर स्काई रूट विल बी सेटअप इन विच स्टेट तो ये भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिज़ाइन निर्माण और टेस्टिंग सेंटर है और जिसे किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा आंसर इज तेलंगाना स्टेट में नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन बैंक रेट बेसिस बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना आंसर इज केरला विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज हिंदी लैंग्वेज में तो जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स है उन्हें हिंदी भाषा में शुरू करने वाला पहला स्टेट बना है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश इंडियाज़ फर्स्ट चीता सेंचुरीज़ बिल्ट इन विच नेशनल पार्क तो किस नेशनल पार्क में पहला चीता अभ्यारण्य बना है आंसर इस कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि है कहाँ पे मध्य प्रदेश में विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सोलर पावर्ड विलेज सो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस गांव को भारत का पहला ट्वेंटी फ़ोर इंटू सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है तो ये है मोधेरा विलेज जो कि है गुजरात में विच इज दी फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने लॉन्च की है खुद की मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी तो इसे शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना आंसर इज मेघालय वेयर हैज इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वुमेन महिलाओं के बीच में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता जो कैंप है कहाँ पे आयोजित किया तो फ्रेंड्स इसको आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट फॉर द होल मार्केट तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट है जो कि पहली स्टेट बने जिसने लॉन्च किया बालिका पंचायत टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ दी गर्ल चाइल्ड तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड हैं उनमें सामाजिक और राजनीतिक जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए से शुरू किया गया कहाँ पे आंसर इज गुजरात स्टेट में वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर माइग्रेंट प्रेगनेंट वुमेन बींगनाग्रेटेड सो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया आंसर इज मुंबई इन विच स्टेट विल नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट फिश म्यूज़ियम भी बिल्ट यानी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है या पूर्वोत्तर भारत है उसका पहला मछली संग्रहालय फिश म्यूज़ियम किस राज्य में बनाया जाएगा आंसर इज अरुणाचल प्रदेश इंडियाज़ फर्स्ट एवलांशी मॉनिटरिंग रडार फॉर लैंड स्लाइड डिटेक्शन हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट तो इसे कहाँ पे स्थापित किया गया आंसर इज सिक्किम वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन बीन एस्टेब्लाइज भारत का जो पहला हिमालयन मसाला उद्यान है ये स्थापित कहाँ पे किया गया रानीखेत खेत उत्तराखंड में विच इज़ दी फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अचीव हंड्रेड परसेंट डिजिटल लिटरेसी राइट आंसर इज केरल का की जो पुलम्पारा ग्राम पंचायत है इसने हंड्रेड परसेंट डिजिटल लिटरेसी को जो है वो अचीव कर लिया है अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत बीन लॉन्च्ड फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेज तो जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं उनको जल्दी से निपटाने तेजी से निपटाने के लिए जो पहली डिजिटल लोक अदालत है ये कहाँ पे शुरू की गई आंसर इज राजस्थान विच इज इंडिया फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश सही आंसर है अंडमान निकोबार आइलैंड भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बी सिलेक्टेड अंडर द आई एम ओ ग्रीन वॉयज ट्वेंटी फिफ्टी प्रोजेक्ट टू अंडरटेक अ पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग सही आंसर हो जाएगा इंडिया इज दी राइट आंसर ग्रीन वो 2050 प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2019 में नॉर्वे और इंटरनेशनल मेरेटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ट्राइब्स so, पर यानी जनजातियों का विश्व को शारी करने वाला जो पहला राज्य बना है ये कौन सा बना है उड़ीसा अगला क्वेश्चन है इंडिया ट्रांसप्लांट सर्जरी हैज बीन डन इन विच हॉस्पिटल सो भारत की जो पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई ये की गई फ्रेंड्स अमृता हॉस्पिटल जो कि है कोची में अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ बायो विलेज यूजिंग ईको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी राइट आंसर इज त्रिपुरा सो फ्रेंड्स ईको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पहला बायो विलेज है ये कौन सा ये ये बायो विलेज कौन सा बना है आंसर इज त्रिपुरा विच स्टेट और यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्टूडेंट सिटिंग एट होम जिसे कहते हैं इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल तो किस यूनियन टेरिटरी ने इसे शुरू किया सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा इसे शुरू किया गया वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बी बिल्ट टू कॉम्बेट पॉल्यूशन सो प्रदूषण से निपटने के लिए जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है ये बनाया जाएगा दिल्ली में इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक इज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट्स हाईकोर्ट सो भारत की पहली जो डिजिटल न्याय घड़ी है किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है

सही आंसर है जम्मू कश्मीर विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट सुजल मेट्रो परियोजना वाला जो भारत का पहला शहर बना है ये है कोची वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो लाइट ट्रेन इनागरेटेड राइट आंसर इज कोलकाता वेस्ट बंगाल विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू होल्ड असेंबली सेशनस इन पेपरलेस मोड थ्रू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम सो जो नेवा प्रोग्राम है देखिए इसके माध्यम से पेपरलेस बोर्ड में जो भी असेंबली सेशन है उसको आयोजित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है नागालैंड विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट विद मिड डे मील टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स तो मिड डे मील के साथ में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तमिलनाडु वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑनकोलॉजी लेबोरेट्री फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीज बीन एस्टेब्लाइज सो ऑनकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई सही आंसर है केरल कोची में विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हंड्रेड परसेंट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट तो हंड्रेड परसेंट हर घर जल प्रमाणित जो जिला बना है ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट अ ड्रोन फोर्स टू रेस्क्यू पीपल जो कि डिजास्टर में फंसी हैं तो उन्हीं के को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स को ड्रोन फोर्स जो है वो उसको बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना उत्तराखंड इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस राइट आंसर इज उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी सेटअप तो जो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा आंसर इज हरियाणा गुरुग्राम में विल इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्राइणी मेडिसिटी बी एस्टेब्लाइज सो भारत की जो पहली मेडिकल सिटी है इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र में विल इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बी बिल्ट दो हजार चौबीस तक बन जाएगा कहा तो जगह हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनग्रेटेड इंडिया फर्स्ट स्मृति वन स्मारक एंड वीर बालक स्मारक इन मेमरी ऑफ दू थाउजेंड वन अर्थक्वेक तो ये जो इंडिया का पहला स्मृति वन स्मारक और बीर वालक स्मारक है इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया और कहाँ पर किया तो ये भी याद होना चाहिए कच्छ गुजरात में वेयर विल इंडियाज फर्स्ट थ्री डी पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट सो भारत का जो पहला थ्री डी पोस्ट ऑफिस है कहाँ पर बनाया जाएगा सही आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका में वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कोर्स ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बीन इनग्रेटेड सो भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले जो ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है इसका उद्घाटन हुआ है पूर्णिया बिहार में विच इज दर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता रजिस्टर पानी वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता का वेस्ट बंगाल का शहर कोलकाता वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बी बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर राइट आंसर इज लखनऊ उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की पहली स्टील रोड जो है कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई तो इसका निर्माण कहाँ किया गया सूरत गुजरात में विच इज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है तो वो है पल्ली पंचायत जो कि है जम्मू कश्मीर में विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी अंडर जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन के तहत जो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और यूटी बना है वो कौन सा है दादरा नागर हवेली दबंदी एंड गोवा तो इसलिए करेक्ट आंसर है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी सो भारतीय सेना की जो पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है उनका नाम है अभिलाषा बराक विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंसड टू सेटअप इंडिया फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप टू प्रमोट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सो शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन टाउनशिप को शुरू किया है और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग राइट आंसर इज सर्वनंदा सोनेवाल जिनके पास जो कि मिनिस्टर हैं वाटरवेज के और इसका उद्देश्य क्या है देखिए टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन द फील्ड ऑफ पोर्ट शिपिंग इन इंडिया और इसे कार्बन न्यूट्रल बनाना विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंसड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी टू रिड्यूस सुसाइड डेथ्स बाय टेन परसेंट बाई टू राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है हिमाचल प्रदेश वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपनड सो भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है इसे कहाँ पे खोला गया मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में Which city will host the first G20 ट्वेंटी meeting 2022 in India? So भारत पे पहली G20 ट्वेंटी शेरपा बैठक जो है इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा आंसर इज राजस्थान का उदयपुर शहर और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे अमिताभ कांत जो कि है इंडियन शेरपा विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टीकर आधार डेबिट कार्ड जिसका नाम है फर्स्ट एप तो ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है जिसे आई फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है आई फर्स्ट बैंक की स्थापना फर्स्ट अक्टूबर 2015 को हुई हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई महाराष्ट्र में है अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एशियन कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में और ये पहली इंडियन वुमेन प्लेयर बनी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मेडल जीता इनका नाम क्या है मनिका बत्रा विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कोवर्किंग रिसर्च हब एंड इनक्यूबेशन लैब टू इंक्रीज जॉइंट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी So, सही आंसर है हमारा पिडिक्स लैब्स हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू बी इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट कमीशन तो इसके लिए इलेक्ट होने वाले पहले इंडियन प्लेयर कौन बने अचंता शरद कमल या शरद कमल अचंता ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं वेयर विल इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बी बिल्ट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज सो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है कहाँ पर बनाया जाएगा तो सही आंसर है तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में इंडियाज़ फर्स्ट एंटी पोचिंग डोग टू बी डिप्लॉय टू मॉनिटर प्रिडेटर्स हैज़ पास्ड अवे दिस डॉग वॉज नोन बाय वॉट नेम तो इसका नाम क्या था इसका नाम था फ्रेंड्स जोरबा इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमरन वेसल विल बी बिल्ट बाय विच कंपनी तो भारत के पहले हाइड्रोजन इंधन सेल कैटरमेन पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया सही आंसर है हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो कि है केरला में हु हैज अप्रूव्ड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया फर्स्ट सोवरियन ग्रीन बॉन्ड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को भारत के पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को किसने मंजूरी दी है आंसर इस निर्मला सीतारमण जी ने झुकी हैं फाइनेंस मिनिस्टर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रेस करते हैं फंड टू इन्वेस्ट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियट प्रोजेक्ट हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट पेमेंट गेट वे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड उन यू पी आई तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेट वे कौन सा बना है रेजोर पे हुज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टैक्स सेवर इंडेक्स फंड आई आई एफ एल ई एल डबल एस निफ्टी फिफ्टी तो ये भारत का जो है पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है और इसे लॉन्च किया है IIFL आई एफ म्यूचुअल फंड ने वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेस वे बिल्ट सो भारत का जो पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे है कहाँ पर बनाया जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में हु हैज़ इनागरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट महिला मोहल्ला क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन जिनकी एज है बारह साल से कम उनके ट्रीटमेंट के लिए इंडिया का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक इसे किसने इनोग्रेट किया है आंसर इस अरविंद केजरीवाल जो कि हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अगला क्वेश्चन है स्काई रूट एरोपेस हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस फ्रॉम द इनिशियल मिशन फ्रॉम वेयर तो जो ये प्राइवेट रॉकेट विक्रम फाइव है इसका विक्रम एस इसे कहाँ से, से, से लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से वेयर हैज़ द इियो कलस्टर बिकम द फस्ट कलस्टर इन इंडिया टू बी कंप्लीटिड अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आंसर इज आइजोल मिजोरम नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एमोलॉजिकल लिमिटेड हैज साइन आ एम विद इंस्टीट्यूट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट फिश वैक्सीन तो यहाँ तो आंसर हो गया हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बीच सेटअप अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो इस योजना के तहत जो भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क है इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में वेयर हैज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर यूटो डी वन बीन सेटअप टू मेक इंटरनेट फाइबर कनेक्टिविटी यूज़फुल तो ये नॉर्थ इंडिया का देखिए पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर यूटा डी है और इसे कहाँ पर जो है इसको सेटअप किया गया है सही आंसर है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सिटी विद अ स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल रिकॉर्ड हैज प्लान टू इशू इंडिया फर्स्ट रिटेल म्यूनिस्िपल ग्रीन बॉन्ड सही आंसर है कौन सा शहर है इंदौर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की पहली महिला आदिवासी जो प्रेजिडेंट बनी है कौन है सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा फॉर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर तो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ध्यान रखेंगे इसे लॉन्च किया गया है अच्छा कहाँ पर तो अब बात आती है कहाँ की तो आंसर इस फरीदाबाद हरियाणा साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंडियन इंस्टीट्यूट है फर्स्ट इंडिजीनियस ओवर हॉजर मैग uh, मैग्नेटोमीटर जिससे कि रिड्यूस हो सके कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड सेंसिंग एक्सपेरिमेंट सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो जो कि है मुंबई में विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू पोस्ट अर्निंग्स कॉल ऑन मेटावर्स मेटावर्स पर कमाई कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि है मुंबई में इंडियाज़ फ़र्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी इसे कहाँ पर सेटअप किया जाएगा जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो इंडिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे तेलंगाना स्टेट में हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले हंड्रेड मैच इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट तो जो तीनों फॉर्मेट होते हैं यानी टी ट्वेंटी टेस्ट और ओ डी आई इसमें हंड्रेड मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बनी है विराट कोहली इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च इन विद सिटी भारत की जो पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन है किस शहर में शुरू की जाएगी कोलकाता वेस्ट बंगाल में विच इज़ दी फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल तो गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है औरंगाबाद शहर और ये है महाराष्ट्र स्टेट में विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सेमी कंडक्टर पॉलिसी तो इसे इंट्रोड्यूस करने वाला पहला राज्य कौन सा बना गुजरात विच इज़ दी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन इंटरनेट सर्विस खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही आंसर है केरला विच एक्सप्रेस वे इज बींग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे तो ये भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में से विकसित किया जा रहा है और इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन एक्सप्रेस वे के साथ भारत का जो पहला राज्य कौन सा बना आंसर इस उत्तर प्रदेश वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट बी सेटअप जो पहला सेमी कंडक्टर संयंत्र है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात में इंडियाज फर्स्ट डागोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड इन विच स्टेट सो so, भारत का पहला जो डोगोंग कन्वर्सेशन रिजर्व है इसे कहाँ पर नोटिफाइड किया गया तमिलनाडु स्टेट में विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया ग्रैंड पिक्स 2023? थाउजेंड so, सो भारत में देखिए पहली बार ग्रैंड पिक्स का आयोजन किया जाएगा और कौन सा शहर इसकी मेज़बानी करेगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन डॉक्टर आर के रंजन इन्होंने इंडिया का पहला फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन को इनाग्रेट किया अच्छा यहाँ पूछा गया है कि कहाँ पर इसे इनाग्रेट किया गया लोकटक लेक जो कि कहाँ पे है मणिपुर में वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर inaugurated इंडियाज फर्स्ट lithium cell प्रोडक्शन प्लांट सो राइट आंसर इज तिरुपति आंध्र प्रदेश विच ऑटोमीकर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सी एन जी पावर ट्रक विद एडवांस्ड ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम सो कौन सा ऑटोमीकर है जिसने इसे लॉन्च किया है राइट आंसर इज टाटा मोटर्स इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर्ड ग्रीन ट्रक इसे लॉन्च किस कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया आंसर इज ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र के द्वारा वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेटअप इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया का पहला वर्ल्ड का और लार्जेस्ट सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट को सेटअप किया जाएगा गुजरात में कहाँ पर हजीरा में विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च शू एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ फुटवेयर एंड लेदर राइट आंसर इज तमिलनाडु अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोचिंग हब बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड एडुकेट मॉडर्न फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको एक तरीके से मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंडिया की पहली कोचिंग हब को कहाँ पर जो है डेवलप किया गया आंसर इज़ राजस्थान की शहर जयपुर में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनफॉर्म टू ब्रिंक ट्रांसपेरेंसी इन इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड जुडिशियल स्ट्रेंथ तो देखिये लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू किया गया कौन से प्लेटफॉर्म पर बताना है तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एविएशन फ्यूल ए वी जी एस हंड्रेड एल एल जिसको अनमेंड एरियल व्हीकल और पिस्टन इंजन में यूज़ किया जाएगा और इस एविएशन फ्यूल को डेवलप किस इंस्टीट्यूट ने किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यू डेली के द्वारा विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट लैंडर टू गेट आर बी आई अप्रूवल फॉर रुपे ट्रेडिंग सो so, कौन सा बैंक बना है आंसर इज यूको बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विच स्टेट असेंबली हैज़ ऑर्गेनाइज अ स्पेशल सेशन फॉर वुमेन असेंबली में फर्स्ट डे आंसर इज उत्तर प्रदेश सो उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा हुआ है कि स्टेट असेंबली में एक स्पेशल सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया जिसके लिए वुमेन असेंबली मेंबर्स के लिए पहले दिन विच इज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू गिव फॉर्मल फाइनेंस टू मैन्यूफैक्चरर्स डेवलपिंग डायमंडबोरेटरी आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज पिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने लॉन्च की ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस को और इसे लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है केरल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया इंडिया का पहला अनमेंड ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन इसका नाम है वरुण इस ड्रोन को किस कंपनी ने डेवलप किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा इसे डेवलप किया गया विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हंड्रेड परसेंट लैंडलोड मॉडल पोर्ट तो पोर्ट का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि है मुंबई में वेयर हैज़ इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस जिसने इनोग्रेट किया इंडिया का पहला थ्री डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री को कहाँ पर ये राइट आंसर इज चेन्नई तमिलनाडु India's फर्स्ट mRNA COVID-19 has कोविड developed हैज़ बीन डेवलप्ड विच तो इसे डेवलप किया गया जेनेवा फार्मेटिकल्स किसके द्वारा महाराष्ट्र के द्वारा विच is India's फर्स्ट tourist ट्रेन कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल on Ramayana Circuit? सो so भारत की जो भारत नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग प्लांट बी सेटअप टू मैनुफैक्चर डिस्प्ले ऑफ स्मार्टफोन्स टैबलेट्स कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स तो इसे स्थापित कहाँ पर किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला आई ए एफ हेरिटेज सेंटर को कहाँ पर बिल्ट किया जाएगा राइट आंसर इज चंडीगढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फस्ट इंडियन वुमेन स्टूडेंट टू टॉप द फस्ट बैच ऑफ़ नेशनल डिफेंस अकैडमी एग्जामिनेशन तो किसने टॉप किया है आंसर इज़ शन ढागा जो कि हरियाणा से है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि पावर्ड होगा ऑर्गेनिक वेस्ट से तो इसे ओपन कहाँ पर किया गया आंसर इज मुंबई महाराष्ट्र वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक वहीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन सो सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक वहीकल चार्जिंग स्टेशन है ये खुला कहाँ पर है गुरुग्राम हरियाणा में इंडियाज़ फर्स्ट ग्रफ़ीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट आंसर इज केरला इंडिया का पहला हैलीह कहाँ पर सेटअप किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में Which district has become the first district in India to cover 100% families under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? तो सही आंसर है सांबा जम्मू कश्मीर वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर बी सेटअप टू ट्रेन यूथ युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा सही आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सी वीड पार्क बी ओपन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन सो मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए जो भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क है कहाँ पर खोला जाएगा सही आंसर है तमिलनाडु विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स फसल विविधीकरण सूचकांक को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना आंसर इज तेलंगाना इन विच स्टेट इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक बर्ड एटलेस को लॉन्च किया गया कहाँ पे कौन से स्टेट में केरल में विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया एंड द सेकेंड इन दर्ल्ड टू मेक द एड्रेस ऑफ ऑल प्लेस अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर वन नेशन वन एड्रेस आंसर इज इंदौर मध्य प्रदेश विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया और इसे किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया नीति आयोग ने ई e फास्ट की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस Mandatory in offences punishable with a sentence of more than सिक्स years. छः साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक जो एविडेंस होते हैं उनको अनिवार्य करने वाली जो पहली पुलिस बनी है वो है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिसने जीता है लॉस एंड डायमंड लीग का टाइटल तो पहले कौन बनी है प्लेयर नीरज चोपड़ा जो कि जावलिन थ्रो से संबंध है हु वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर सही आंसर है गुरुग्राम का अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पियाली बसाक अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आई विक्रांत विल बी इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट को किस कंपनी ने बिल्ड किया है तो इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल के द्वारा बिल्ड किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्रोन सर्विस जिसका नाम है आसमान से दवा हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट तो इस सर्विस को शुरू करने वाला पहला स्टेट बना है अरुणाचल प्रदेश India's first community radio station दूध has been inaugurated in which state? तो भारत का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है दूध इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया गुजरात वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष फॉर विजुअली इम्पेयर पीपल बीन लॉन्च इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भारत का जो पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव है कौन सा बना है केरल का कुमलांगी विलेज विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज हर एक गाँव में पुस्तकालय वाला जो पहला जिला बना है यह है झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट Which airline has become the first airline in India to land an aircraft using the indigenous navigation system Gagan? Right answer is Indigo Airline. Where has India's first digital bus service been inaugurated to promote digitization of ticketing system? तो टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो पहली डिजिटल बस सर्विस है इसे शुरू किया गया मुंबई महाराष्ट्र में विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स राइट आंसर इज केरल सो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला स्टेट बना है केरल वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज बी बिल्ट बाई इंडियन रेलवेज सो देश का जो पहला केबल ब्रिज बनाया जाएगा ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग टू रेवल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला जो पहला स्टेट बना वो है झारखंड विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पोर्टल नेम्ड निदान जो कि ड्रग ट्राफिकर्स से रिलेटेड है तो इस पोर्टल को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे लॉन्च किया है निदान की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा बेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स अगला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक So, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना आंसर इज मंडला डिस्ट्रिक्ट जो कि है मध्य प्रदेश में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन वुमेन्स बॉल टीम इन्होंने कौन सा मेडल जीता बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में सो so, एक इतिहास भी देखिए यहाँ पे कह लीजिए हिस्ट्री भी क्रिएट हुई है इन्होंने जीता जो बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्राइमरी लेवल आंसर इज उत्तराखंड विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसने ज्वाइन किया यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को और पहला शहर बना तेलंगाना का वरंगल और केरला का थ्रिसुर और नीलाम्बुर शहर राइट आंसर इज सुटेबल ऑल वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीन इनाग्रेटेड टू कॉम्बेट मेजर न्यूरोजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज सही आंसर है बेंगलुरू कर्नाटका विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑगमेंटेड रियालिटी स्क्रीन तो सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स मुंबई में अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने डेवलप किया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को तो ऐसा करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र गगन ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म है जी पी एस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हंड्रेड परसेंट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी सो so, भारत की पहली सौ फीसदी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली जो कंपनी है कौन सी बनी है राइट आंसर इज डाबर इंडिया लिमिटेड तो फ्रेंड्स सीधे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड हैं अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टेस्ट आपको मिलेगा तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी सेकंड क्वेश्चन है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो